हे दोस्त, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। देखिए, मुझे ब्लॉगिंग का तो कोई नॉलेज है नहीं, बस इतना आता है कि नया नया प्लेस पे जाऊँ, उसको देखूँ और एक्सप्लोर करूँ। तो खुद भी इंजॉय करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो फिर इसी चक्कर में हम लोग न्यू बोंगा गाँव से सीधा आ पहुँचते हैं ग्वालपारा टाउन सूर्या पहाड़। ये ग्वालपारा टाउन सूर्या पहाड़ क्यों, आगे जानते हैं। ये रहा सूर्य पहाड़ जाने का रास्ता। हम लोग को सूर्य पहाड़ जाने से पहले कुछ इस तरह से स्वागत किया गया है। अभी आगे चलते हैं। थोड़ा इधर उधर भटकने के बाद हम लोग आ पहुँचते हैं हिंदू धर्म स्थल, इसको सेकेंड काशी भी बोलते हैं। जहाँ काशी पे 1 लाख शिवलिंग है, वहीं इस जगह पे एक कम 1 लाख शिवलिंग है। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट है ना, वो खुद गिनती किया है, जो इसमें एक कम 1 लाख शिवलिंग है। हम लोगों का नज़र जहाँ भी जाता है वहीं एक ना एक शिवलिंग है। देखिए, जो पहले सन्यासी लोग यहाँ रहता था ना, वही इस पत्थर को काट के शिवलिंग का आकार दिया है और इसको सेकंड काशी भी बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया है। मतलब हिंदू धर्म में है जो शिव से महान कोई है नहीं। तो आइए हम लोग दर्शन करते हैं सेकंड काशी की। अभी हम लोगों को एक ख़ास बात पता चला है कि यहाँ आकाशगंगा भी है। ये आकाशगंगा का पानी कहाँ से आता है ना, किसी को भी पता नहीं है। और एक राज का बात है कि इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, जितना भी निकालो उतना का उतना ही रहता है। तो आइए हम लोग देखने चलते हैं ये चमत्कार। पानी तो बहुत बड़ा है, पानी तो पहाड़ हो रखे तो कहना क्या है, इतना जन तू बाबा आसुरित पानी किमान बसोर बसो हैं। ये पानी शेष न पानी थी, शेष न हो जी माने ने नहीं दिया, ऐसा सब मालिक हो रही थी जान की बहुत बसोर बसो जाते ए ए आमदेल बयस ये मतार आगो बताई। तो आकाशगंगा दर्शन करने के बाद हम लोग आ पहुँचते हैं नेल पॉट्स। मतलब पहले जो सन्यासी लोग इस जगह पे रहता था, वो लोग अपना सारा नाखून काट के इस कुएं पे रखते थे। तो उन लोग ऐसा क्यों करता था, ये हम लोगों को पता नहीं। तो फिर आइए देखते हैं। अभी हम लोग जाते हैं बौद्ध धर्म स्थल। मतलब कहते हैं ना, जहाँ बौद्ध है वहीं शांति है। ओ, और एक ख़ास बात बताना तो आप लोग को भूल गए,
ये जो सूर्य पहाड़ है ना, इसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्मों का संमिलन है। मतलब जहाँ देखिए इस दुनिया में धर्म को लेके इतना मारा मारी है, वहीं इस सूर्य पहाड़ में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्मों का संमिलन है। तो ये एक शांति का प्रतीक ही है। आइए फिर देखते हैं बौद्ध धर्म स्थल। तो आइए आप लोगों को अभी ले चलते हैं एक हिस्टोरिकल प्लेस पे। पहले जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का सभ्यता में स्कूल घर रहता था ना, तो सेम टू सेम वैसे ही एक स्कूल इस जगह पे भी मौजूद है। तो पहले हम लोगों को इस जगह पे एंट्री नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा बातचीत करने के बाद इस जगह पे एंट्री मिला है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक स्कूल। तो इसी चक्कर में अभी हम लोग को हो जाता है काफ़ी लेट, तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा पहुंच जाते हैं सूर्य मंदिर। देखिए कुल मिला के पूरी दुनिया में केवल 8 ही सूर्य मंदिर है और पूरी नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही, जो ग्वालपाड़ा में स्थित है। तो आप लोग को जब भी मौका मिले एक बार होने से भी इस हिस्टोरिकल प्लेस पर आकर अपना मन को शांत कीजिए। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।